सोलन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांग्रेस पर जमकर बरसे और उन्होंने सोलन में हो रहे धरने प्रदर्शनों को राजनीति से प्रेरित बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे 4 माह में हिमाचल की और सोलन की जनता के हितों के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं और किसी भी तरह की किसी को असुविधा न हो इसके लिए सरकार पूर्ण प्रयास कर रही है। उन्होंने दूसरे और शूलनी मेले की व्यवस्थाओं को लेकर नाराज चल रहे कांग्रेस के विधायक धनीराम शांडिल को मनाने का प्रयास भी किया, जिससे पता चलता है कि जयराम ठाकुर कुशल राजनीतिज्ञ हैं जो कांग्रेस को चोट भी दे रहे हैं और साथ में मल्लम लगाते भी नजर आ रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से सोलन में चिकित्सकों और नगर परिषद में चल रहे धरना प्रदर्शन के बारे में पूछा गया तो वे सुर्ख हो गए और कांग्रेस पर भड़ास निकालते हुए उन्होंने कहा कि अभी भाजपा सरकार को सत्ता संभालते ही महज 4 माह का समय हुआ है, लेकिन कांग्रेस नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बल्कि पिछली कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से प्रदेश हर क्षेत्र में अव्यवस्थाओं के आलम में पहुंच गया है और कर्मचारियों की कमी है, लेकिन भाजपा सरकार इन कमियों को जल्द ही पूरा करने जा रही है और सोलन की जनता को जल्द चिकित्सक भी मिलेंगे और नगर परिषद के लिए स्थायी कार्यकारी अधिकारी की व्यवस्था जल्द की जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में केवल फट्टे टांगने का काम किया है, लेकिन वे कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं कर सके, जिसकी वजह से आज स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का जो है ये सारी समस्याएं 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने की सरकार की दौरान की नहीं है। हॉस्पिटल के बारे में जो लोग बात करते हैं उनके बारे में कम से कम पूछ लेना चाहिए कि तुमने फट्टे पूरे प्रदेश भर में टांग दिए, ये डॉक्टर का इंतजाम करने की जो जिम्मेवारी तुम्हारी थी इस जिम्मेवारी को तुमने क्यों नहीं निभाया। हम इस जिम्मेवारी को निभा रहे हैं और सारी बातें मेरे ध्यान में हैं। इन सारी चीजों को लेकर के हमारे जो जितने भी यहाँ पर मंत्री हैं, विधायक हैं, यहाँ के हमारे प्रतिनिधि हैं, पार्टी के साथी हैं, सब लोगों ने हमको ध्यान में लाई है बातें और उसके लिए हमने ईओ के लिए भी बोल दिया है और डॉक्टर्स के लिए भी इंतजाम कर रहे हैं।